नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल अपना हाथ जगन्नाथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पतंजलि से डिस्ट्रीब्यूशन शिप कैसे लें उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और आपको यह वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको लगे यह वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप प्लीज़ उस आदमी के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई जॉब और मोटिवेशनल और नौकरी से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले पतंजलि आयुर्वेद.org पर जाना होगा। जैसे आप पतंजलि.org पे जाएंगे, पतंजलि आयुर्वेद.org जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप इस पे जाएंगे तो ये देखिए ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए काफ़ी तरीके के फॉर्म्स हैं डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पतंजलि स्टोर खोल सकते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप साइट में जाइए, फिर डाउनलोड सेक्शन में जाइए और यहाँ पतंजलि स्टोर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा जिसे कि आपको फिल करना होता है। तो दोस्तों आप यह वीडियो अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे कि आप यह फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पतंजलि स्टोर। यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर, आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि आयुर्वेदिक केंद्र। दोस्तों पतंजलि की ये तीन तरह की कैटेगरी हैं जिनमें आप अपना स्टोर खोल सकते हैं बहुत बड़ा, और चिकित्सालय यानी कि आप डॉक्टर और इनको भी आप अपने स्टोर पर बैठा सकते हैं जो कि वहाँ पर परामर्श देंगे जो कि फ्री होता है आम जनता के लिए, लेकिन जो मेडिसिन लिखते हैं वो आपके ही स्टोर से खरीदेंगे तो इससे आपकी सेल बढ़ने के चांसेस हैं। पतंजलि आयुर्वेदा केंद्र है। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है आपको यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों फादर हस्बैंड नेम लिखना है, और फिर दोस्तों आपको अपना एड्रेस लिखना है, लोकेशन फॉर स्टोर, आप जहाँ पर स्टोर खोलना चाहते हैं, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों पिन कोड लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है। दोस्तों ईमेल आईडी कैसे बनाएं इसको आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में, और अगर आपको नहीं पता तो आप हमको रिक्वेस्ट कीजिए, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देखना है और इसे यहाँ पर फिर आपको और भी डिटेलें भरनी है। यहाँ ऊपर जाएंगे तो डज एप्लीकेंट हैव एनी अदर बिजनेस, अगर आपके पास कोई और बिजनेस है तो आप यहाँ पर लिख के बता सकते हैं, और आप अपने यहाँ पर प्रपोज एरिया बता सकते हैं कि कितने एरिया में आप स्टोर खोलना चाहते हैं, फिर एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 जैसे भी आपकी गुंजाइश हो। और यहाँ पर पूछ रहे हैं दोस्तों फिर इफ़ एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूट देन गिवन डिटेल, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर वो डिटेल देनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई पतंजलि सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं येस और नो का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप मेगा स्टोर के बारे में बता सकते हैं कि कितने मेगा स्टोर से जुड़े हुए हैं आपके फैमिली मेंबर्स और कितने हैं, चिकित्सालय, मेगा स्टोर चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इनमें से आप बताइए कि कितने आपके पास है, नहीं है तो आप इसे जीरो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने जीरो कर दिया क्योंकि कोई जुड़ा नहीं है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, और आई एम नॉट ए रोबोट इस पर कैप्चा पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों इसे सेंड करना है। तो दोस्तों ये तो थी नॉर्मल फॉर्म की बात। अब दोस्तों इसके बाद आपको और भी डिटेलें भरनी है, ये तो नॉर्मल डिटेलें थी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मेगा स्टोर फॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और पतंजलि चिकित्सालय एंड आरोग्य केंद्र फॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यह हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो दोस्तों चलिए हम इसको आपको यह फॉर्म्स दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए डाउनलोड होने के बाद एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पतंजलि मेगा स्टोर।
I appreciate and support the vision prepared with the blessing and determination of Yogeshwari Swami Ramdev Ji Maharaj for ensuring reach of low price, high quality indigenous products to every household. Under this scheme, I am committed to escape the country from conspiracy of foreign companies and helps the country to become economic power. तो दोस्तों हम आपको ये हिंदी में समझा देते हैं. यहाँ पर जो हिंदी का फॉर्म है दोस्तों उसमें लिखा है, योग श्री स्वामी रामदेव जी महाराज के संकल्प व आशीर्वाद से उच्च गुणवत्ता युक्त स्वदेशी व सस्ते सामान को घर घर पहुँचाने के लिए जो योजना बनाई गई है, मैं इस अभियान का समर्थक व प्रशंसक हूँ. इस योजना के अंतर्गत देश को विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से बचाकर आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा. तो दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ पर स्टोर के लिए, मेगा स्टोर के लिए आवेदन करना है. यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, आवेदनकर्ता का नाम. यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं तो अपने पति का नाम लिखिए, और अगर आप मेल हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखिए. उसके बाद दोस्तों मेगा स्टोर खोलने का स्थान, आप कहाँ पर स्टोर खोलना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखिए. उसके बाद आपको जिला लिखना है, उसके बाद राज्य, स्टेट, फिर पिन कोड, और दोस्तों यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं. दोस्तों अगर आपको ईमेल आईडी बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम इस पर एक वीडियो बना लेंगे. अदरवाइज़ आप गूगल पर काफ़ी सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं, मैं एक वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. संपर्क सूत्र दोस्तों यहाँ पर आप इनको लिंक कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्या आवेदक कोई अन्य व्यवसाय करता है, यदि हाँ तो विवरण. अगर आप कोई अन्य व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर विवरण दीजिए. उसके बाद दोस्तों प्रस्तावित स्थान से निकटतम चिकित्सालय व आरोग्य केंद्रों का विवरण. जो आप स्टोर खोलना चाहते हैं वहाँ से कोई भी आसपास चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र है तो आपको यहाँ पर उनके सीरियल वाइज उनका डिटेल भरनी है, जैसे संचालक का नाम और संपर्क सूत्र, स्थान, दूरी और चिकित्सालय आरोग्य केंद्र का नाम. तो दोस्तों इसके बाद पॉइंट आता है प्रस्तावित स्थान का क्षेत्रफल. आप कितना स्थान अपने मेगा स्टोर को देना चाहते हैं वह स्थान स्क्वायर फीट में नापकर आप यहाँ पर दीजिए. उसके बाद आप कितना निवेश करना चाहते हैं उस राशि को यहाँ पर लिखिए. जैसे आप 10,000 निवेश करना चाहते हैं, 15,000 आप यहाँ पर लिखिए. इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोलता है, यदि किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आप उसका विवरण यहाँ पर दीजिए. जैसे अगर आप कोई NGO चलाते हैं या फिर किसी भी संस्था से जुड़े हैं, RSS जैसे एक संस्था है, ऐसे किसी भी संस्था से जुड़े हैं आप उसका विवरण दीजिए. आवेदक के स्वयं या परिवार रिश्तेदारों के नाम पर पतंजलि के कितने केंद्र हैं. यदि आपके परिवार या रिश्तेदारों में से किसी ने भी पहले भी मेगा स्टोर चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र वितरक के रूप में आवेदन किया है और उनके पास है तो आप उन स्टोरों की संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं. अब दोस्तों यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, क्या आप पहले से ही पतंजलि परिवार से जुड़े हैं. आप हाँ और नहीं में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. यदि हाँ तो किस रूप में. अगर आप लिखते हैं कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, योग शिक्षक, आजीवन सदस्य, संरक्षक संस्थापक, कॉर्पोरेट सदस्य व अन्य. इनमें से किसी भी रूप से आप जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर बेहिचक लिख सकते हैं. उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नोट है कि नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्ति आवेदन पत्र ना भरे, क्योंकि हमारी संस्था एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है. तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए, यह आपके और समाज के हित के लिए है. उसके बाद दोस्तों जिस दिन आप यह फॉर्म भर रहे हैं आप यहाँ पर दिनांक लिखिए और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर भर दीजिए, आवेदक के हस्ताक्षर. अब दोस्तों चलिए इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, जिसे कि नियमावली कहते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है पतंजलि मेगा स्टोर हेतु नियमावली. पहला नियम है, पतंजलि मेगा स्टोर के लिए न्यूनतम 2000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल होना चाहिए. अगर आपके पास इससे कम है तो शायद यह आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, पतंजलि मेगा स्टोर के लिए प्रारंभिक स्तर पर लगभग 1 करोड़ रुपए निवेश पूंजी अनिवार्य है. यानी कि आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत निवेश करना जरूरी है. उसके बाद दोस्तों पतंजलि मेगा स्टोर मतलब दोस्तों एक बड़ा स्टोर हेतु जमानत राशि जो कि वापस हो जाएगी 5 लाख रुपए है, जिसमें 2.5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, दिव्या फार्मेसी तथा 2.5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार के नाम दे होगा. यानी कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 2.5 लाख का,
जो कि दिव्या फार्मेसी 2.5 लाख के लिए होगा और 2.5 लाख होगा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। इन दोनों के नाम के दो डिमांड ड्राफ्ट बनाने होंगे। उसके बाद दोस्तों चौथा नियम है, पतंजलि मेगा स्टोर प्राइम लोकेशन व प्रमुख बाजारों में ही देय होगा। अगर आपकी लोकेशन, स्टोर की लोकेशन प्राइम लोकेशन है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और प्रमुख बाजार है, मेन मार्केट है, वहीं पर ही आप यह स्टोर खोल सकते हैं, मेगा स्टोर। अब दोस्तों इस पे आइए, नए मेगा स्टोर स्थापित मेगा स्टोर से मेट्रो सिटीज़ में 2.5 किलोमीटर होगा, नॉन मेट्रो सिटी में 3.5 किलोमीटर और पतंजलि चिकित्सालय एवं आरोग्य केंद्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर दिए जाएंगे। यानी कि जो भी नए लोग आ रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी उनका स्टोर हो वह अगर मेट्रो सिटी है तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा पतंजलि मेगा स्टोर होना चाहिए, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो उसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी है। मतलब यानी कि दो मेगा स्टोर के बीच में इतनी दूरी होना जरूरी है। और अगर आपके पास चिकित्सालय के लिए भी आपने या आरोग्य केंद्र के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें 1 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी है। छठा पॉइंट है दोस्तों, आवेदक पत्र के साथ प्रार्थी के स्थान की 5-6 फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो 5 लगेंगी, पहचान पत्र, पत्राचार प्रमाण पत्र, बिक्री के पंजीकरण की प्रति, स्वामित्व पत्र या किराया अनुबंध जहां पर मेगा स्टोर खोलना जाना है आदि दस्तावेज आवेदन के साथ भेजने अनिवार्य हैं। यानी कि जब आप यह फॉर्म भर देंगे दोस्तों तो उसके साथ आपको अपनी 5-6 फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए जो कि, और पहचान पत्र, पत्राचार यानी कि आप किस कम्युनिकेशन से आप जुड़े रहना चाहते हैं, आपको अपना एड्रेस, और बिक्री पंजीकरण प्रति, स्वामित्व पत्र, किराया अनुबंध जो भी आपके स्टोर का लोकेशन है उसका आदि के दस्तावेज आपको भेजने जरूरी हैं। अब दोस्तों मेगा स्टोर पर वैध की नियुक्ति संस्थान द्वारा ही की जाएगी व मापक यंत्र आदि की व्यवस्था मेगा स्टोर पर होना अनिवार्य है। पतंजलि मेगा स्टोर हेतु संचालक के पास मेगा स्टोर के प्रस्तावित स्थान पर बैठने, प्रसाधन, पेयजल इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, अनिवार्य है। मेगा स्टोर जो आप बनाएंगे दोस्तों वहाँ पर जो संस्थान है आएगा, जो कि जो वैद्य आते हैं पतंजलि की तरफ से, उनके लिए आपको बैठने का स्थान होना चाहिए, उनके शौचालय का, उनके पानी के पीने का, और एक अच्छी साफ सफाई वाली व्यवस्था होनी रखनी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आठवां पॉइंट है, पतंजलि मेगा स्टोर पर दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद एवं आश्रम द्वारा अनुमोदित वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी उत्पाद विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी कि आप पतंजलि मेगा स्टोर में खाली दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद एवं आश्रम द्वारा ही बताई गई दवाइयों को बेच सकते हैं, आप अन्य दवाइयों को नहीं बेच सकते। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट है, आवेदक का न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। यानी कि आप पे कोई भी लीगल केस वगैरह नहीं चलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना एड्रेस दिया है जहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। यहां पर लिखा हुआ है, केंद्रीय कार्यालय भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योगपीठ, द्वितीय चरण, राजीव दीक्षित भवन, निकट बहाराबाद, हरिद्वार 2494-05 उत्तराखंड, भारत। यहाँ पर दोस्तों इनका नंबर भी दिया हुआ है, 01334-24008-2441072467337। वेबसाइट भी दी है दोस्तों www.patanjaliayurved.org। ईमेल एड्रेस है दोस्तों megastore@patanjaliayurved.org। यहाँ पर दोस्तों एक नोट भी दिखा हुआ है, आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेज सहित डाक द्वारा दिए गए मुख्यालय के पते पर अथवा दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें तथा आवश्यक कार्यवाही पूरी होने पर आपको अनुबंध के लिए मुख्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। यानी कि आपको ये सारी डिटेलें जो भी हमने आपको अब तक बताई है फिल करके और कलेक्ट करके, इन सबको आपको एक ईमेल द्वारा या तो आप सॉफ्ट में भेज सकते हैं या फिर जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस पे आप अपना मेल भी भेज सकते हैं कोरियर द्वारा, और लेटर भी लिखकर भेज सकते हैं इनको। और जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या उस पे कोई कार्यवाही करनी होगी तो पतंजलि मुख्यालय से आपको कॉल आएगा या फिर वो आपको संपर्क करेंगे ईमेल द्वारा, उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। तो दोस्तों इस फॉर्म को मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ क्योंकि इंग्लिश का भी वर्जन है हमारे पास, इंग्लिश का जो वर्जन है दोस्तों ये देखिए बिल्कुल वही है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको जब आप इसे भरने लगेंगे। और इसके लगभग वही कमेंट्स
वही पॉइंट है, 1-to-1, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो आपको जो भी समझ में आए आप वो फॉर्म डाउनलोड करके इन्हें भरकर आप इस नीचे दिए गए एड्रेस पर भेजिए। और आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो ईमेल कर दीजिए उन्हें, या फिर आप जो कोरियर है उसे आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसे लगी ये वीडियो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इससे कोई भी व्यक्ति है जिसको इस वीडियो से लाभ मिल सकता है, आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो आप भूलेंगे नहीं। और जाते जाते अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने से दोस्तों यह होगा कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, और नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको घंटे के निशान पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।